नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में पंचायत चुनाव का डंका बज चुका है, सभी प्रत्याशी लगे हुए हैं लोगों को लुभाने में, उनसे जाकर बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में रोहतास के ठोरसन प्रखंड के प्रबल व सशक्त बीडीसी प्रत्याशी संध्या देवी चुनावी मैदान में बीडीसी के तौर पर उतर चुकी है, जहां उन्होंने बातचीत की हमारे संवाददाता से। क्या कुछ खास बातचीत है, आप भी सुनिए। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में बात करें रोहतास जिले के करघर प्रखंड की, तो यहां 10वें चरण में मतदान 8 दिसंबर को होना है। बात करें तो 8 दिसंबर जो होगा मतदान, 10वां चरण यह रोहतास जिले का अंतिम चरण होगा। हालांकि 11 चरण में मतदान जो होगा त्रिस्तरीय पंचायत का अन्य जगहों पर होने वाला है, लेकिन रोहतास जिला जो है यहाँ 10वें चरण में करघर प्रखंड में मतदान होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं ठोरसन पंचायत में और ठोरसन पंचायत के उम्मीदवार के तौर पर इनकी माताजी जो सोनू सिंह पत्रकार हैं, इनकी माताजी संध्या देवी बीडीसी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर चुकी है और 8 दिसंबर को मतदान होगा। बेहद कम समय में इनसे खास मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि ये पत्रकार भी हैं और साथ भी अपनी माताजी संध्या देवी को प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे कि सोनू जी, क्या कुछ कमियां रही कि आपको अपने माताजी संध्या देवी के चुनावी मैदान में बीडीसी के तौर पर उतार कर जद्दोजहद करनी पड़ रही है? सबसे पहले मैं आपको चैनल के माध्यम से अपनी जनता को और जितने भी पंचायत वासियों हैं, मैं उन लोगों को भी धन्यवाद कर देना चाहता हूं कि जो कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि आप अपनी माताजी को चुनावी मैदान में उतारिए, और आपकी माताजी अगर चुनावी मैदान में आती हैं तो हम लोगों का दुख और जो संकट है कुछ हरने के काम करेंगे, ताकि इन लोगों का मुझ पर विश्वास है कि ये लोग जानते हैं कि कहीं नहीं कहीं ये लड़का मेरे लिए लड़ता है, जुल्म और मजलूम और गरीब असहाय और दलितों के लिए और शोषितों के लिए आवाज़ उठाता है, तो इनकी माताजी को लड़ाना हमारे लिए उचित होगा। तो हमने मूड बनाया और मूड बनाकर अपने माताजी को चुनावी मैदान में मैंने उतारा हूँ जी। अब बात करते हैं, महात्मा गांधी का सपना था त्रिस्तरीय पंचायत की, उन्होंने जो कल्पना की थी, सपना था कि गांव का जो आबादी है, देश की आबादी जो 75% गांव में निवास करती है, और ऐसे में गरीबों को जो उत्थान करने की उन्होंने बातें कही थी। लेकिन आज भी अगर बात करें 2001 से जो मतदान हो रहा है, आज 2021 चल रहा है, अंतिम दौर में है 2021, और चुनाव जो है हो रहा है, लेकिन सभी प्रत्याशी दावे करते आए हैं कि हम गरीबों का आवास बनवाएंगे, उन्हें पेंशन दिलवाएंगे, वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, या कोरोना जैसी वैश्विक महामारी भी आई और 2 सालों से जो स्थितियां रही उसमें गरीबों का जो है पलायन जारी रहा अपने गाँव की तरफ। प्रतिनिधियों द्वारा कहा गया कि इन्हें 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना के तहत जोड़ा जाएगा, लेकिन क्या कुछ कमियां रही? आप तो भली भांति जानते हैं, क्योंकि आप एक प्रखंड के तौर पर पत्रकारिता करते हैं और पत्रकारिता प्रखंड स्तर पर करते हैं, तो अपने ही पंचायत से अपनी माताजी को उतारे हैं, कुछ तो कमियां रही होगी, इन सभी चीज़ों को आप देखते होंगे, तो आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जिसमें पंचायत का निवासी हूँ, ठोरसन पंचायत के सीढ़ी गांव का मैं रहने वाला हूँ, और यहाँ हम जब से 2001 से मतलब होश संभाले हैं, 2005 से लगभग 2005 से होश संभाले हैं, तब से हम देखें जो भी प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं और चुनाव के क्रम में बहुत बड़ी बड़ी दावे करते हैं कि मैं चुनाव जीतने के बाद ये करूँगा वो करूँगा, मतलब कि जनता को मतलब लुभाने के लिए नाना प्रकार की बातें करते रहते हैं। और ख़ास तौर पर मैं जिस गाँव में भी मैं गाँव का रहने वाला हूँ, उसी गांव में एक वार्ड है 11 नंबर, जैसे कि ऐसे लगता है ना कि यहाँ पे थोड़ा अति पिछड़ा जाति के लोग इस वार्ड में मतलब जाते हैं, तो आप देख सकते हैं, आप गए भी हैं वहाँ पर, आप देखे भी हैं कि किस तरह से लोग अपने जीवन व्यापन कर रहे हैं, यहाँ तक कि भी जो आप जैसे बताएं कि महात्मा गांधी जी का सपना था थोड़ा सा साकार किया जाए, हमें नहीं लग रहा है कि गरीब और अमीरों के बीच में कभी भी जो खाई है वो भर पाएगा, इसलिए कि जो गरीब है बिल्कुल गरीब ही रह गया है और जो अमीर है वो तो अमीर है ही। आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, नली गली की समस्याएं हैं, आवास योजना की समस्याएं हैं, गरीब तबके को लोगों को आवास नहीं मिल पाती है, यहाँ तक कि उन लोगों के कहीं ना कहीं, हम एक पत्रकार हैं तो समझ पाते हैं, समझ रहे हैं इस बात को, कुछ लोग डोनेशन के लिए मकान अच्छे लोगों को दे देते हैं और गरीब तबके में जो भी झोपड़ियों में लोग रहते हैं उनके पास आवास की जो योजनाएं हैं नहीं पहुंच पाती है, वो लोग वंचित रह जाते हैं। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? हम तो सारी सर जिम्मेवार इसलिए मानेंगे कि जो प्रतिनिधि यहाँ पर जो जैसे कि यहाँ की मुखिया को बीडीसी प्रत्याशी को जिताती है,
तो अपना तो समस्या इन्हीं लोगों से कहेगी जी, लेकिन ये लोग चुनाव जीतने के बाद मैदान छोड़ देते हैं और यहाँ तक की भी इनकी समस्याएं सुनने के लिए भी नहीं आते हैं, और फिर 5 साल बाद वही बातें वही जुमलाबाजी लोग करते हैं कि मैं इस बार फिर दोबारा हमको पुनः जिताइए, मैं अगले बार कार्य करूँगा। सुनो जी, हम जिक्र अगर परिपाटी जो है चुनाव की इस बार बदल चुकी है, कई लोग लुभावने देते हैं किस तरीके से चुनाव जीतने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं लुभावने देकर के, क्या लगता है आपके पंचायत की जो जनता है इस लुभावने में आने वाली है? देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि चुनाव में तो पैसा और जो लाल पानी बोला जाता है, जो बिहार में शराबबंदी बंद है मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2016 से ही, लेकिन लोग जब जैसे प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरते हैं तो बहुत सारे लोगों का नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूं, लोग लाल पानी और पैसे के बहुत ज़्यादा यूज करके तो वोटरों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार यहाँ के वोटरों ने मन बना लिया है कि मैं खड़ा रहूँगा सच्चे और ईमानदार आदमी के साथ जो मेरे लिए लड़ता है, मेरे लिए मेहनत करता है। वोटर ने ये मन बना लिया है और देखते हैं क्या चाह रही है। हालांकि आपके जो माता जी हैं इनके बारे में हमने कई गांव में जो है जाकर के पड़ताल किया, तो उन्हीं के प्रति जो है लोगों में रिस्पांस मिल रहा है, लोग कह रहे हैं कि नहीं इस बार जो है पत्रकार की जो माता जी हैं वो चुनावी मैदान में उन्हीं को जीतेंगे, क्योंकि जो आपके बारे में भी लोग नाम ले रहे थे कि सोनू जी हैं रात दिन जो है पत्रकारिता के माध्यम से भी हमारी आवाज़ को उठाते हैं और प्रखंड मुख्यालय तक जाते हैं, यहाँ तक कि जिले तक भी अपनी हम लोग बात को रखते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी आपके प्रति जो है बड़ा सुझाव मिल रहा है कि नहीं इस बार जो है बदलाव किया जाए ताकि हम लोग का जो है जो विकास से हम लोग वंचित हैं, हमें विकास के जो रास्ते, हम उस रास्ते पर चल पड़ेंगे, हमारा विकास होगा। लेकिन अब इससे इतर एक सवाल पूछेंगे, स्वास्थ्य की समस्या रही है, क्योंकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई और कई मजदूरों का जो है पलायन जा रहा है, क्वारंटाइन किया गया, क्वारंटाइन के नाम पर बहुत तरीके का खेल होता रहा, यहाँ तक कि कई लोग बाहर से आने वाले मजदूरों से दूर रहते नजर आए, लेकिन आपने पत्रकारिता किया तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं और किस तरीके से लोगों ने झेला इस दंश को? सबसे तो पहले मैं शिक्षा पे बात करूँगा, इसलिए कि मेरे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लगभग यहाँ की जो बेटियाँ हैं मजदूर तबके के लोगों की बेटियाँ हैं, ऐसे तो आप देख सकते हैं कि जितने भी पैसे वाले हैं उनकी बेटियां यहाँ सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ती हैं। आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं? हाँ, आधुनिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, और यहाँ से चलकर लगभग करीब 4 किलोमीटर दूरी तय कर एक मिडिल स्कूल में जाती है, जो छोटा एक अरनुआ पंचायत का गाँव है गुघरा, वहाँ पर मिडिल स्कूल और हाई स्कूल है, और हमारे पंचायत का सबसे बड़ा गाँव है ये थोरसन पंचायत का सीढ़ी गांव, जो यहाँ भी अभी प्राथमिक विद्यालय ही रह गया है। मैं प्रयास करूँगा कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो यहाँ की स्कूल का जो व्यवस्था है सबसे पहले मैं मिडिल कराने की कोशिश करूँगा। शिक्षा को लेकर मेरी अहम भूमिका यही रहेगी कि हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियाँ हैं जो 4 किलोमीटर पैदल चल कर जाती हैं, मैं उन लोगों के लिए यहाँ पर मिडिल क्लास के स्कूल की व्यवस्था कराऊंगा जो मध्य विद्यालय श्रेणी में बने, और उन लोगों को 4 किलोमीटर दूरी जो जाना पड़ता है उससे मतलब कि छुटकारा मिले। अच्छा, छुटकारा मिले। लेकिन अब आधुनिक शिक्षा की बात करें, किसवी सदी है, आधुनिक शिक्षा की बात सभी करते हैं, गरीब के बच्चे जो होते हैं उन्हें आधुनिक शिक्षा सरकारी विद्यालयों में नहीं मिल पाती है, और जो धनी तबके के लोग होते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों या शहरों में भेज करके आधुनिक शिक्षा ग्रहण करा लेते हैं। लेकिन आपने शिक्षा की बात की तो हमने मुनासिब समझा कि नहीं शिक्षा पर आधुनिक शिक्षा की बात क्यों ना कर ले, क्योंकि आधुनिक शिक्षा से वंचित हो जाते हैं गरीब तबके के बच्चे, क्या करेंगे आप, आपकी माता जी जीत जाएंगे तो? सबसे पहले मेरा देखिए शिक्षा पर ही फोकस है, मैं जितने भी अगर आपके चैनल से माध्यम से जितने भी मेरे पंचायत के लोगों तक आवाज़ जाती है, या पंचायत नहीं पूरे प्रखंड तक की लोगों की जितनी जहाँ भी मेरी आवाज़ जाती है, मैं ही कोशिश करूँगा कि देखिए सबसे शिक्षित बनिए। हमारी भारत सरकार भी मुहिम चला रही है और बिहार सरकार भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो आप लोग शिक्षा पर ध्यान दीजिए, और अहम भूमिका मेरी शिक्षा को लेकर ही रहेगी। मैं अगर मेरी माता जी BDC बनती हैं तो मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि शिक्षा गरीब तबके लोगों को उचित ढंग से मिले, और भरपूर प्रयास रहेगा ये मेरा। अच्छा, मनरेगा का जिक्र कर लेते हैं, मनरेगा के माध्यम से 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की बातें की जाती है, क्या रहा पंचायत में आपके और आपकी माता जी जीतेंगी, तो मजदूरों के लिए क्या आप करिएगा?
देखिए ये जो मनरेगा का जो योजना के बारे में बता रहे हैं, 100 रोज की योजना, 100 दिन की जो ये रोजगार योजना होती है जो कोविड में दिया गया था आदेश कि 100 मतलब कि रोजगारों को रोजगार 100 दिन के लिए दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो हुआ होगा तो शायद वो उन लोगों के क्या बोलते हैं वो फाइलों में हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, धरातल पर नहीं उतर पाया है। और यहाँ तक कि जो पहले नरेगा और मनरेगा के तहत कुछ मजदूर ग्रामीण काम भी किए हैं तो अभी तक उन लोगों का जो मजदूरी है अभी तक नहीं मिल पाया है। इसमें किसकी कमी कही जा सकती है, पीओ की कमी कही जा सकती है या रोजगार सेवक की कमी कही जा सकती है, बीडीसी प्रत्याशी की कमी कही जा सकती है, ऐसा ही सिस्टम मतलब कहीं ना कहीं इसमें जो है स्थानीय जनप्रतिनिधि की भी भूमिका जो है नजर आ रही है। लेकिन हम यह जानना चाहेंगे कि अब जो है कई लोगों का घर हमने देखा कि टूटा फूटा हुआ है, कई लोग उसी घर में रहने को विवश हैं। ऐसे में हमने एक गांव में गया था, वो गांव का नाम था गर्भे, और उसमें देख रहे कि एक गरीब तबका है और उसी घर में जो है टूटे फूटे मकान में रहने को मजबूर है, बड़ा मार्मिक स्थिति है। ऐसे में आपकी माता जी चुनाव जीतते हैं तो उन गरीबों के लिए क्या किस तरीके से आपने काम करेंगे आप, और क्या है आपका? सबसे तो पहले मैं बताना चाहता हूं कि पत्रकारों का कोई जात नहीं होता है, पत्रकारों का कोई जात नहीं होता है, और जब तक हम पत्रकारिता करेंगे तब तक गरीब मजलूम असहाय और लोगों के लिए मैं कहीं ना कहीं लड़ता रहूँगा। और आप जैसे बताएं आवास उवास के बारे में, योजना के बारे में, तो आप एक पत्रकार हैं, आप समझ सकते हैं कि मेरे पंचायत में हमें देखने से नहीं मिल पाता है। ये असहाय गरीब तबके के लोग, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को ही मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम फेल हो जाती है और इस योजना का जो लाभ मिल पाता है हमें लग रहा है कि अच्छे अमीर तबके के लोगों को ही मिल पाता है या कुछ मिडिल क्लास के लोगों को ही मिल पाता है। गरीब तबके के लोगों को मतलब जाते जाते सारी व्यवस्थाएं सरकार की योजनाएं गरीब तबके के लोगों के पास जैसे ही सरकारी जितनी भी सरकारी योजनाएं जाने में विफल हो जाती है, वहां तक पहुंचते पहुंचते आप देख सकते हैं कि अगर कोई मजबूत आदमी हो, कोई मजबूत आदमी हो या उसके यहाँ अगर गली का कुछ दूर का काम करवाना हो तो पीसीसी ढलैया मुखिया प्रत्याशी और बीडीसी प्रत्याशी के द्वारा किया जा सकता है, मगर वही काम गरीब आदमी के यहाँ हो तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, सारी योजनाएँ वहाँ तक फेल हो जाती है। मतलब बहुत भ्रष्टाचारी है और ख़ास करके मेरे पंचायत में ऐसा लगता है कि मतलब कि क्या बताएं हम आपसे, मतलब मैं आप तो घूम कर देख चुके हैं कि बहुत बहुत स्थिति खराब है, बहुत स्थिति खराब है। यहाँ सरकार एक तरफ कहती है कि मैं दलित असहाय मजदूरों के लिए ये योजनाएं लाऊंगा वो योजनाएं लाऊंगा, हमें देखने से यहाँ तक कि राशन कार्ड बनाने के लिए कुछ दलालों के थ्रू रुपए मांगे जाते हैं गरीब आदमी से कि 2,000-2,500 दीजिएगा तब हम राशन कार्ड बनवाएंगे। विधवा पेंशन के लिए मांगा जाता है, आप तो घूम कर देखे हैं कि कहीं राशन जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी नहीं मिल पाता है, विधवा पेंशन भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता है। ऐसी सारी जो बहुत सारी योजनाएं हैं जो नहीं मिल पाती हैं लोगों को, और मिलता भी है तो बहुत पैसे के डिमांड हो जाते हैं, बेचारे वो लोग कम पढ़े लिखे हुए लोग हैं ब्लॉक तक जाने में डरते हैं, अफसरशाही है जान ही रहे निजी सरकार की जी सरकार में। अफसरशाही की बात आपने जिक्र की, लेकिन आप पत्रकार हैं और तरफ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आपने देखा है भली बात की, यदि चुनाव में जीत जाती हैं तो आप एक तरफ पत्रकारिता के माध्यम से भी उन लोगों का आवाज़ उठाएंगे या आप अधिकारियों से लड़ेंगे? मैं पत्रकारिता के माध्यम से अपने पंचायत के लिए नहीं पूरे प्रखंड के लिए गरीब मजलूम दलित शोषितों के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा, इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं जी जान लगा दूंगा। जनता से क्या अपील रहेगी? जनता से ही मेरा आखिरी अपील रहेगा कि नेक चुने, एक अच्छे इंसान चुने, और मैं चाहूँगा कि एक बार मेरी माता जी को, जो मेरी माता जी बीडीसी प्रत्याशी हैं 2 नंबर पर जो उनका खटिया छाप है चरपाई छाप है, अपना बहुमूल्य वोट देकर उनको विजयी बनाएं। मैं यही अपने पंचायतवासियों से अपील करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से ही मैं अपील करता हूं। ये थे हमारे साथ सोनू कुमार सिंह जो कि पत्रकार हैं और इनकी माता जी संध्या देवी जो कि बीडीसी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर चुकी है, बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे में बात करें तो प्रचार का शोर जो है 6 तारीख को थम जाएगा और 8 यानी 8 दिसंबर को मतदान होगा। जनता अब देखना यह होगा कि जनता जो है किस तरीके से इन्हें सिर आंखों पर लेती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ डी टीवी भारत के लिए रोहतास के ठोसल पंचायत से मैं अश्विनी पांडे।